बिहार से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। मुजफ्फरपुर के कटरा में बागमती बांध परियोजना से विस्थापित लोगों ने पुनर्वास को लेकर 10 घंटे तक सड़क को जाम रखा। आक्रोशित विस्थापित लोग और आई बेनीबाद पथ पर ही टेंट लगाकर धरना पर बैठ गए। कटरा प्रखंड क्षेत्र के बकुची गांव में बागमती बांध परियोजना से विस्थापित लोगों ने पुनर्वास को लेकर यह आंदोलन सुबह 7 बजे से ही शुरू कर दिया। लोग करीब 5 बजे तक धरना पर बैठे रहे, जिससे कटरा प्रखंड मुख्यालय तक आने वाले लोगों को करीब 70 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रखंड मुख्यालय आना पड़ा। सड़क पर लोगों के धरना पर बैठ जाने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। धरना पर बैठे लोगों का कहना था कि सरकार हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, पुनर्वास के लिए जमीन नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे प्रतिवर्ष बाढ़ के समय हम लोगों को घर छोड़कर बांध आकर नारकीय जीवन जीना पड़ता है। धरना का नेतृत्व करते हुए समाजवादी नेता चंद्रकांत मिश्र ने कहा कि वर्ष 2011 से बागमती बांध परियोजना का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन आज तक प्रभावित लोगों के लिए सरकार द्वारा पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई और न ही अधिग्रहित भूमि का मुआवजा ही दिया गया है। कटरा अंचल के अंचलाधिकारी पवन झा एवं थानाध्यक्ष सिकंदर धरना स्थल पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर आश्वासन दिया कि वे अविलंब पुनर्वास के लिए जमीन व जमीन का मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे, जिसके बाद लोगों ने 20 फरवरी से पहले मुआवजा नहीं मिलने पर फिर से आंदोलन जारी करने की चेतावनी के साथ धरना समाप्त किया। बार बार हम सरकार से आग्रह करते हैं। मैं चंद्रकांत मिश्र अभी तो हम ग्राम नवादा प्रखंड कटरा का रहने वाला हूँ। दोनों बांध बागमती परियोजना के बीच हम लोगों का मकान में सहन पड़ता है, जिसके भुगतान के लिए बार बार प्रयास करने के बाद भी नहीं मिला, इसलिए हम लोग थक हार कर इस आयोजन का आयोजन किए। समस्या है कि 5 वर्ष से हम लोग के सरकारी लाभ से वंचित कर दिया गया है और यहाँ से हम लोग यहाँ से मकान में मुआवजा के लिए दौड़ते दौड़ते थक गए, लेकिन किसी तरह का सरकारी स्टाफ हम लोग का मिलना कर रहा है। आजकल करते करते 5 वर्ष टूट गया, लेकिन मुझे मुआवजा नहीं मिला। हम लोग का मांग है मुआवजा, भूअर्जन से मुआवजा मिले, पुनर्वास का पैसा मिले। 5 वर्ष से ठगा जा रहे हैं हम लोग, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिलता है। हम लोग को बार बार आश्वासन दिया जाता है डीएम आके बाढ़ पीड़ितों के बीच बोले थे, 2 महीना के बीच हमने जो है ये आपका जो है मुआवजा दिया लाने के काम करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई सुनवाई नहीं दी है। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, जब तक किए रहेंगे, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, जब तक हम लोग अनशन पर प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे।